सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। Realme C12 ने अपना 4GB RAM मॉडल इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस 9,999 रुपीस रखी गई है। Realme का Realme C12 स्मार्टफोन अब 4GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज में भी इंडिया में लॉन्च हो गया है। इससे पहले Realme C12 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरिएंट में था, जिसकी प्राइस 8,999 रुपीस थी। इस स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और 6000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है। WhatsApp की नई पॉलिसी पर सरकार ने WhatsApp के CEO से मांगा जवाब। भारत सरकार ने WhatsApp से कहा है कि वह अपनी प्राइवेसी शर्तों में किए गए बदलावों को वापस ले, क्योंकि कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने WhatsApp के CEO विल कैथर्ट को कड़े शब्दों में पत्र लिखा है कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पत्र में कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवा और प्राइवेसी में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, चयन की आज़ादी तथा डाटा सुरक्षा को लेकर अपने नज़रिए पर फिर से विचार करने को कहा है। पत्र में कहा गया कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। Vivo Y20G इंडिया में लॉन्च 128GB स्टोरेज और 5000 mAh बैटरी के साथ। Vivo इंडिया ने Y सीरीज के तहत अपने नए स्मार्टफोन Vivo Y20G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। Vivo Y20G को 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज में लॉन्च किया गया है। इसका मुकाबला Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy M31 जैसे स्मार्टफोन से होगा। Vivo Y20G को दो कलर वेरिएंट ऑब्सिडियन ब्लैक और प्योरिस्ट ब्लू में पेश किया गया है। Vivo के इस नए स्मार्टफोन की प्राइस 14,999 रुपीस रखी गई है और इसमें 6.51 इंच की फुल व्यू HD डिस्प्ले दी गई है और इसके साथ ही इसमें MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, दिया गया है और इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 30 MP का, दूसरा लेंस 2 MP का मैक्रो और तीसरा लेंस 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया है। फ़ोन की बैटरी 5000 mAh की दी गई है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स में ब्लूटूथ, वाईफाई, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो USB जैसे पोर्ट्स दिए गए हैं। मेड इन इंडिया हाइक मैसेजिंग ऐप हुआ बंद व्हाट्सएप की टक्कर में, 2019 में किया गया था लॉन्च। सोशल मीडिया पर भले ही भारतीय यूजर्स मेड इन इंडिया सोशल मीडिया की मांग जोर शोर से करते हैं, लेकिन हकीकत में वे मेड इन इंडिया ऐप को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। इसका ताज़ा प्रमाण हाइक का स्टिकर चैट ऐप है, जो महज 2 साल के अंदर बंद हो गया। इस ऐप के को फाउंडर CEO ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एम्ब्रेन ने वॉइस असिस्टेंट के साथ लॉन्च किए 2 ईयरबड्स, न्यूबड्स 11 और न्यूबड्स 22 इसके नेम रखे गए हैं। डोमेस्टिक कंपनी एम्ब्रेन ने अपने 2 नए वायरलेस ईयरबड्स एम्ब्रेन न्यूबड्स 11 और एम्ब्रेन न्यूबड्स 22 को इंडिया में लॉन्च किया है। इनमें से एम्ब्रेन न्यूबड्स 11 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। इसकी बैटरी को लेकर दावा किया है कि 12 आवर्स का बैकअप देगी। वहीं एम्ब्रेन न्यू बर्ड्स 22 की बैटरी लाइफ 22 आवर्स की है। दोनों ईयरबड्स में गूगल असिस्टेंट और एप्पल सीरी का सपोर्ट दिया गया है। दोनों ईयरबड्स की प्राइस 2,499 रुपीस रखे गए हैं और इन प्रोडक्ट्स को तमाम रिटेल स्टोर के अलावा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है और इस पर 1 साल की वारंटी भी दी गई है।
स्कल कैंडी जिब ईयरबड्स इंडिया में हुआ लॉन्च, जिसमें आपको मिलेगी 22 घंटे की बैटरी लाइफ। ऑडियो डिवाइस की प्रमुख कंपनी स्कल कैंडी ने इंडियन मार्केट में अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स स्कल कैंडी जिब को लॉन्च कर दिया है। स्कल कैंडी जिब की बैटरी को लेकर 22 आवर्स का बैकअप देने का दावा किया गया है। इस ईयरबड को वॉइस वाटर रेजिस्टेंट के लिए IPX4 की रेटिंग मिली है। स्कल कैंडी जिब में शानदार कॉलिंग के लिए डुअल माइक्रोफोन दिया गया है। स्कल कैंडी की प्राइस 2999 रुपीज रखी गई है। ईयरबड्स के साथ वॉल्यूम, स्किप ट्रैक, वॉइस कॉल और वर्चुअल असिस्टेंट एप्पल और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक न्यूज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें अगर कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।